हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा इस वक्त कौन है, कौन है वो जिसको वो डेट कर रहे हैं, या फिर कौन है उनके अलग ऑप्शंस, जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक आ गया है, इस वीडियो के बाद देखिएगा ज़रूर। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दिए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। चलिए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। क्या आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा भी कोई है? क्या आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई है? जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप ना भी शादी वाली एज में हो, शादी लायक हो गए हो, तो आपके घर में भी रिश्ते की बात चलती रहती है। और सेम उस तरफ भी मैं देख रही हूँ, इस पर्सन के आसपास भी बहुत सारे लोग हैं जो इनके शादी के पीछे पड़े हुए हैं। दूसरी सिचुएशन मुझे यहाँ पे ये समझ आ रही है कि आपको जब जब आपके घर वाले शादी के लिए बोलते हैं तो आपके मन में बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है। तीन तरीके का डर है। पहला ये कि आपको आपके पर्सन की बहुत याद आती है। दूसरा ये, जब आपके दिल में अगर उम्मीद ख़त्म हो गई है तो आप ये सोच रहे हो कि अब जो पर्सन आएंगे इसकी क्या गारंटी है कि वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे, क्या वो मुझे प्यार करेंगे। खुद पर बहुत डाउट करने लगे हो, ऐसा लगता है कि आप अच्छे नहीं हो, आप एक अच्छे पार्टनर नहीं बन जाओगे और हर कोई आपको छोड़ के चला जाएगा। ओह माय गॉड, बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे ये सब देख के। आपके लिए मुझे भी बहुत तकलीफ़ हो रही है। अच्छा, तीसरा डर यहाँ पर ये लग रहा है कि अगर मैंने शादी कर ली और अगर फिर मेरे पर्सन वापस आ गए तो फिर तो कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्या मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ? ये आपकी करंट फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। आप अपने आप को बहुत रोक रहे हो, बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल करके रख रहे हो। कोई अच्छा ऑप्शन आता भी है, उस टाइम के लिए आप थोड़ा बहुत बात करते हो, फिर आप कतराते हो और अपना कदम जो है पीछे कर लेते हो। मन में बहुत सारे सवाल है, डाउट है, पास्ट एक्सपीरियंस आपके दिमाग पे छाया रहता है। इस पर्सन की अगर मैं आपको बात बताऊं तो मुझे लगता है ये पर्सन जो है, अगर आपसे मैं जोड़ के देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उनका वन एंड ओनली प्यार हो। थे नहीं बोलूंगी, हो, अभी भी हो, लेकिन अब जब इनके आसपास कोई शादी वादी की बात लेके आता है या होती है तो मुझे नहीं लगता इस पर्सन के मन में इतनी ज़्यादा खुशी है जो आपको लेकर होती या है। तो ये पर्सन अपनी शादी को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं मान रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग आपके पर्सन जो है, अगर उनके फैमिली वाले कुछ ज़्यादा ही पीछे पड़े हुए हैं तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बहुत लो की शादी करना चाहते हैं। मतलब या तो ये बोल रहे कोर्ट मैरिज करा दो, ये सिर्फ ऐसे फूलों की माला डलवा दो, या फिर एंगेजमेंट करा दो। बहुत धूमधाम से इनका कोई ऐसे मन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत बोरिंग सा ऐसा लग रहा है कि बहुत मजबूरी वाली बात है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन की शादी अभी ऑर्गेनाइज हो गई है या फिर हो चुकी है, जिनकी शादी हो चुकी है। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मुझे अपनी एनर्जी दें जल्दी से। यस, आपने अभी तक नहीं किया, आप कर दीजिए। जी जी, आपके पर्सन की भी एनर्जी हमको चाहिए। ओके, अगर आपके पर्सन शादीशुदा हैं, अगर वो बहुत ही बाहर बाहर से ऐसा दिखा रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं, ये बहुत सारे लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो अपने पार्टनर्स के साथ फ़ोटो तक नहीं डाल रहे। एक्चुअली बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने ऐसा सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, अगर हो गई है तो एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, अब क्या करें, हो सकता है फिज़िकल सेटिस्फैक्शन मिल जाए। तो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, मुझे ऐसा लगता है आपके अलावा अगर ये किसी के साथ फिज़िकल भी होना चाह रहे हैं, अगर मतलब कहते नहीं हैं कि रूहानी प्यार तो एक के साथ ही होता है, फिज़िकल तो आप कितनों के भी साथ हो सकते हो, लेकिन इस पर्सन के केस में ऐसा उल्टा है, इनको फिज़िकली भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा किसी के भी साथ।
वो रूहानियत महसूस नहीं हो रही, वो कनेक्शन इनको महसूस नहीं हो रहा। और अगर इनकी शादी होने वाली है तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बदकिस्मत समझ रहे हैं कि आपके रहते हुए भी, आपके कवारे रहते हुए भी ये पर्सन इतने मजबूर हैं कि आज ये आपका हाथ ना पकड़ के आज किसी और के साथ ये जाने के लिए मजबूर है। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, और अगर जो सिंगल्स है यकीन मानो वो कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं लाइफ के मज़े उठाने का। ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है। साफ पता चल रहा है अगर आप में से आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा कैसनोवा टाइप के हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसे समझते हैं कि वो बहुत स्मार्ट हैं और अभी यही टाइम है मज़े करने का, तो यकीन मानो आपको पता भी नहीं है कि आपके नीचे, आपके नाक के नीचे क्या क्या हो रहा है, आपके पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है। आप अपने आप को बहुत संभाल के रख रहे हो, पता है, इस ब्रेकअप के बाद जबकि आपको हवा में उड़ना चाहिए था। मुझे 555 दिखा भी, किसको दिखा 555, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत ही लकी इंजन नंबर है, इट्स अ नंबर ऑफ एलिवेशन, अबंडेंस एंड लॉट्स ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज से आपकी रीडिंग यहीं पे कंटिन्यू करते हैं कि अगर आपको कोई मिलता भी है तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि अपने चारों तरफ आपने कोई जेल बना दी है, किसी के अंदर रहना है, मतलब ज़्यादा उड़ना नहीं है, मतलब मौका नहीं दे रहे हो खुद को नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का। अगर नए लोगों से मिलते भी हो तो दूर दूर से ही हाई हेलो रखते हो, किसी के साथ इतना क्लोज नहीं आते, जबकि पहले ऐसा होता था, बहुत आज़ाद परिंदा टाइप के थे, जो बात करनी है वो करते थे, जैसा मन कर रहा है वैसे हंसते थे, आप भी मजाक करते थे अपनी तरफ से, लेकिन आपको हमेशा दिमाग में ऐसा लगता है कि नहीं 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 ज़्यादा हो जाएगा, नहीं करना, काम से काम रखना है। तो दोस्ती हो रही है लेकिन पूरी तरह खुल के नहीं हो रही, अभी भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कम करना है, कम बोलना है, ज़्यादा बातचीत नहीं, ज़्यादा घुलना मिलना नहीं, खुद से मतलब रखना है, ऐसा है ना? दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। और हाँ एक चीज़ और, आप कुछ भी कर रहे हो मुझे ऐसा लगता है आप टाइम का बहुत डर लग रहा है, टाइम आपको ऐसा लगता है, कुछ भी कर रहे हो बार बार घड़ी देखते हो, इतना टाइम हो गया, इतना टाइम बच गया, आज क्या क्या किया, जल्दी घर जाना है, इतना टाइम कहाँ चला गया, ओ 10 बज गए, या फिर ओ शिट मुझे तो जल्दी सोना था, ये सारी चीज़ों को लेकर बहुत वरी कर रहे हो। मुझे लगता है आप एज को लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान हो, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स में मुझे ऐसा दिख रहा है। एनर्जीज प्लीज़ अपनी दीजिए, कंसंट्रेशन लाइए अपने अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि आप एज को लेके परेशान हो रहे हो कि अब तो मैं इतनी एज का हो गया हो गई, आने वाले कुछ ही सालों में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ओ शिट मेरी तो एजिंग हो जाएगी, ये सब भी सोच रहे हो क्या? एजिंग हो जाएगी, पता नहीं मैं अच्छा दिखूंगी, मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा, मुझे कौन प्यार करेगा, इतने टाइम तक मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं, इतना कमा पाएंगे या नहीं, अब तक हो, ये सारी बहुत ओवरथिंकिंग चल रही है। प्लीज़ थम जाओ, ये सब मत सोचो, वहाँ आपके पर्सन पूरी तरीके से इन्जॉय करने में लगे हैं। अपने आप को फ्री छोड़ने की यहाँ पे एडवाइस दूंगी मैं आपको, आपको क्या पता। एक सेकेंड, मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज़ पूछना चाहूँगी, एक बात बताओ, जो 24 घंटे बिना सोचे समझे आप सोचते रहते हो किसी के बारे में और खुद को कम समझने की आपने हिम्मत कैसे की, बोलो? नहीं, आप क्या हो? आप कुछ भी नहीं हो, आप क्या हो एक तरीके से? आप एक इंसान हो, मैं भी एक इंसान हूँ, आपको क्या पता आप लाइफ में अगले पल, अगले एक घंटे में कितने लोगों से मिलोगे? आपको क्या पता कि आपका जो, जिसको आप पहला प्यार प्यार कह के उसके लिए पागल होए जा रहे हो, आपको क्या पता वो रियल में आपका पहला प्यार था कि नहीं, या पहला प्यार आपको आगे जाके मिलेगा? वो तो आपकी इमेजिनेशन है ना, आप चीज़ों को उस तरीके से देख रहे हो जिस तरीके से आप देखना चाहते हो, जबकि आपको उस तरीके से देखना चाहिए जैसे चीज़ें रियल में हैं। मौका तो दो अपने आप को, उस कैद में क्यों रखा है आपने? कैदी कौन होता है जिसने कुछ गलत किया होता है? अपने आप को छोड़ो तो सही, खुला एक बार खुल के हंसो तो सही, एक बार महसूस तो करो। आप पता है क्या करते हो, आप अपने आप को हमेशा टारगेट बनाते हो खुद ही, आप हमेशा ये सोचते हो कि आपके साथ धोखा हुआ, आप विक्टिम हो, आपको उदास रहना चाहिए, आपको खुश रहने का कोई हक नहीं है, जबकि आप ये सोचो ना, विक्टिम क्यों सोच रहे हो अपने आप को? आप ऐसे क्यों सोच रहे हो उन्होंने धोखा दिया? आप उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचो। एंजल्स यहाँ पे आपको एक स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं, आप ऐसा सोचो ना कि ओह वाह यार, मैं बच गया या मैं बच गई, जितना नुकसान हुआ वो तो बहुत था, आगे और ज़्यादा नुकसान ना हो,
जब देखो मिड एज में आ जाओगे, मतलब लाइफ का बिल्कुल आधा टाइम हो जाएगा, मतलब और ज़्यादा आप थोड़े मैच्योर हो जाओगे, तब अगर ऐसा होता तब तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो गई होती ना, नुकसान और ज़्यादा हुआ होता। आप ये देख रहे हो कि नुकसान कितना हुआ, आप ये नहीं देख रहे कितनी चीज़ें आगे की और बच गई। अब तो लाइफ आपके हाथ में है ना, तो उसे यूज़ करो ना जैसे चाहते हो, अपना टाइम खुद के पास रखो ना। कब तक दूसरों के दिए हुए घावों को लेकर आप अपने आप को छोटा समझोगे, जबकि आप कौन हो आप बखूबी जानते हो। इस रीडिंग के बाद एक काम करना, किस किस को पल्स देखने आती है, मतलब अपने रिस्ट में कलाई पे धड़कन देखना, आंख बंद कर लेना, महसूस करना ज़रा, क्या दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम आपकी इन धड़कनों से बड़ी है? क्या आपको विश्वास नहीं हो रहा आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो? दूसरे क्या बताएंगे आप कितने स्पेशल हो? क्या आपको नहीं पता आप कितने स्पेशल हो? आप आए खुद थे, आप कर भी सकते हो सब कुछ। सोचो अकेले ही अकेले, अकेले ही अकेले आपने अपनी मदर की हेल्प से खुद को बना लिया, पूरा शरीर बना लिया, तो क्या आप इस यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट अपने लिए नहीं बना सकते? क्या इतना मुश्किल है मूव ऑन करना? क्या यही आपकी लाइफ है कि जब आप बने थे आप उस इंसान के बारे में सोचो जो छोटा सा था, जो एक ही दिन का था? क्या वो इसीलिए आया था कि आगे जाके अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी किसी के इंतज़ार में ही बिता दे, जिसको एक 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 प्रतिशत की भी कदर नहीं? वो तो भंवरा है, एक फूल से दूसरे फूल, बट आप तो फूल हो। वो तो भंवरा है जो चोर निकला, इसका मतलब क्या आप अपनी खूबसूरती भूल जाओगे? क्या आप किसी एक छोटे से तिनके से भंवरे की वजह से महकना भूल जाओगे, अपने रंगों को भूल जाओगे? आज भंवरा आया, कल भंवरा आएगा, पर एक दिन आपकी तितली तो आएगी। ऐसी उम्मीद रखो ना दुनिया से, ऐसी उम्मीद रखो ना जिंदगी से, ऐसी उम्मीद रखो ना खुद से। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, और इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज दिया हमारे एंजल्स ने हमें। अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कर दो, जल्दी से कमेंट्स में अपने व्यूज़ भी बताओ, और हाँ इस रीडिंग के बाद लिंक में दिए गए रीडिंग को ज़रूर देखना, आपके लिए एक प्यारा सा मैसेज है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।